और एक जो दूसरा पक्ष है जो सबसे ज्यादा इन्होंने फैलाया पिछले 2000 वर्षों में, वो पक्ष है रामचरितमानस तुलसीदास द्वारा लिखी हुई, और उसका सबसे पहला ही दोहा यह है, ढोल गवार शूद्र पशु नारी सब हैं ताड़न के। रामायण में दो तरह की भ्रांतियां हैं इस देश में, वैसे तो 3500 से ऊपर नकली रामायण, नकली मतलब अलग अलग लोगों ने अपने विचार से रखी है, लेकिन दो मत हैं। एक मत जो महर्षि वाल्मीकि जी का है, और जो आप फोटो देख रहे हो महर्षि वाल्मीकि जी की, वो उधर बैनर पे, एक शुरुआत यहां से होती है रामायण की कि महर्षि वाल्मीकि वहां जंगल में जा रहे हैं और वो बैठे पेड़ के नीचे, नदी जा रही है और वहां दो पक्षी वहां पर आपस में वो मगन है अपने प्यार मोहब्बत में। तभी थोड़ी देर में एक पक्षी को तीर आके लगता है, जो पक्षी नीचे गिरा हुआ है, और दूसरा जो नर पक्षी है वो एकदम चिल्लाने लगता है, रोने लगता है बहुत जबरदस्त तरीके से। तभी गुरुजी उठकर के उस पक्षी को हाथ में उठा लेते हैं जिसको चोट लगी है, तीर आर पार हो गया, और थोड़ी देर में शिकारी भागा हुआ आ रहा है, और वो शिकारी गुरुजी के पास आके कहता है कि ये पक्षी मेरा शिकार है, इसे मुझे दे दो। तो गुरुजी महर्षि कहते हैं उनको कि भाई, एक तो तुमने इस बेजुबान निर्दोष कोच पक्षी की हत्या की है, और ऊपर से आप इस तरह का व्यवहार कर रहे हैं। तो वो उनको भी धमकी देने लगता है गुरुजी को। तब गुरुजी यहां पर उसको श्राप देते हैं उस शिकारी को कि जिस तरीके से ये नर पक्षी अपने इस मादा पक्षी के वियोग में तड़प रहा है, उसी तरह तू भी अपने पत्नी के वियोग में, अपने साथी के वियोग में तू तड़पता घूमेगा। ये उन्होंने उसको श्राप दिया, और यहां से वो रामायण, वाल्मीकि रामायण यहां से शुरू हुई है। और एक जो दूसरा पक्ष है जो सबसे ज्यादा इन्होंने फैलाया पिछले 2000 वर्षों में, वो पक्ष है रामचरितमानस तुलसीदास द्वारा लिखी हुई, और उसका सबसे पहला ही दोहा ये है, ढोल गवार शूद्र पशु नारी सब हैं ताड़न के। पहली बात तो ये कि जो पहला पक्ष है महर्षि वाल्मीकि का, वो अहिंसा और प्रेम के ऊपर, वो किसी तरह की हिंसा को बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं, उनको तड़प हो रही है, पीड़ा हो रही है। और ये जो पक्ष है तुलसीदास, जो उसको वाल्मीकि रामायण को अनुवाद करने के नाम पर उन्होंने अपनी उसमें वो डाल दी, सारा ब्राह्मणवाद उलट दिया, उसका पहला ही श्लोक वो है जिसमें हिंसा, हिंसा और सिर्फ हिंसा और क्रूरता उसमें नजर आती है। हमें इस विचार गोष्ठी को, हमें यही हमारा मकसद था कि हम इस पे चर्चा करें कि ये जो भ्रांतियां हैं, आखिर महर्षि को कोई भी आकर के कुछ कह जाता है, उनको ब्राह्मणों का पक्ष मान लिया गया है। 1100 राहुल संकरता हैं जो महान साहित्यकार हैं, सभी जानते होंगे, खासतौर पे जो बुद्धिजीवी साथियां बैठे हैं, महान साहित्यकार इस देश के, उन्होंने एक ऋग्वेदिक आर्य नाम से किताब लिखी है, और उस किताब में उन्होंने एक टैली बनाई है 2500 साल पुरानी, बिफोर क्राइस्ट और आफ्टर क्राइस्ट। और उन्होंने जो बिफोर ईसा पूर्व जो लिखा है, उन्होंने 1100 शताब्दी का पूरी टैली दी है, और उन टैलियों में उन्होंने बताया कि उस समय क्या वेशभूषा होती थी बाकी लोगों की, कौन कौन सी भाषाएं होती थी, आर्य और अनार्य क्या होते थे, काले गोरे का क्या भेद होता था, जाति व्यवस्था थी कि नहीं थी,
उस समय का भोजन क्या था, उस समय कौन कौन से ऋषि थे, कौन कौन से धर्म एग्जिस्ट करते थे, क्या वहां पर संघर्ष चल रहा है, वो तमाम, और यहां तक कि वहां पर हथियार क्या क्या होते थे, वहां पर कौन से हथियारों को इस्तेमाल किया करते थे और किस चीज के होते थे। तो उसमें उन्होंने दिया एक जगह पर 1100 ईसा पूर्व उन्होंने उस टैली में दिया और वहां पर उन्होंने एक ऋषि का नाम दिया है, ऋषि वशिष्ठ और ऋषि विश्वामित्र का उन्होंने जिक्र किया है। यदि महान साहित्यकार सौ राउल शंकरतायन अगर विश्वामित्र को वहां दिखा रहे हैं तो इसका मतलब महर्षि भी एग्जिस्ट करते हैं, क्योंकि विश्वामित्र तो पात्र है वाल्मीकि रामायण का, राम का गुरु। और इधर जो तुलसीदास की नकली रामायण है जो उससे शुरू होती है, दशरथ जिसको तीर मार देता है वो लड़का अपने श्रवण कुमार अपने माँ बाप को लेके जा रहा है। तो जब हम वाल्मीकि जी की बात करते हैं तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि हम कौन से पक्ष की बात कर रहे हैं, और इसमें हमारी गलती नहीं है। पिछले 5000 सालों से जब से इन्होंने हमारा सबसे पहला योद्धा अनार्य योद्धा संबर को इन्होंने परास्त किया छलकपट से, जब ये घुसे वहां से खैबर दर्रा से गुजरे हैं, और संभर यहां का मूल नागरिक अनार्य सम्राट आदिवासी योद्धा 40 वर्ष इनको रोका वहां पर इन आर्यों को घुसने से यहां से, और धीरे धीरे इन्होंने छल कपट से हमारे योद्धाओं को परास्त करते करते हमें गुलाम बनाते बनाते हमारे साम्राज्यों को सल्तनतों को छीनते हुए, क्योंकि जो आज हम बात कर रहे हैं तो आज हमें 5000 साल की बात कर रहे हैं तो हमें उस समय की बात सोचनी चाहिए कि उस समय कैसी वेशभूषा होगी, कितनी जनसंख्या होगी, वहां का उस समय का सिस्टम क्या होगा और वहां की बोली भाषा खान पान कैसा होगा। अगर आज की दौर को हम सोच लेंगे तो हम कल्पना नहीं कर पाएंगे। उस समय छोटे 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 कबीले होते थे, आदिवासी कबीले जो यहाँ के मूल यहाँ के लोग थे, और जो सिंधु सभ्यता वो सबसे विकसित सभ्यता दुनिया की उस समय की सबसे विकसित सभ्यता, आज भी उसके अवशेष निकलते हैं। तो वैज्ञानिक हैरान है कि उस समय की, उस समय ना इतने संसाधन थे ना कुछ था, और उस वक्त तो सिंधु सभ्यता इतनी विकसित थी उस समय आधुनिक सभ्यता। तो वहां से 40 साल हमें करने के बाद उसके बाद हमारे रामायण, उसके बाद महाबली बाली बानर राज बाली, हमारे दूसरे दुनिया भर के हमारे सबको हमें यहाँ तक पहुंचा दिया गुलाम बना बना करके, जबरदस्ती मार मार के उल्टे सीधे काम ये करवाए हमसे। तो लेकिन सबसे पहला इन्होंने काम ये किया कि हमसे गुलाम बनाया, तो हमसे सबसे पहला काम हमसे इन्होंने शिक्षा छीनी, और उसका सबसे बड़ा सबूत ये है कि जब राम को शासन मिला तो उसने सबसे पहले संभूक ऋषि को, जो इस देश के अनार्य ऋषि वो चलाते थे वहां पर शिक्षा देते थे अपने आश्रम में अनार्यों को, इस देश के मूल नागरियों को, सबसे पहले उनको जाकर के उनको पहले मैसेज भिजवाया कि बंद करो तुम्हारा काम नहीं है। उन्होंने नहीं बंद किया तो वहां उनके आश्रम में जाके उनकी गर्दन काट के उनको नरसंहार किया। शिक्षा खत्म करी, पढ़ाना पढ़ना हमारा काम था, हमसे वो छीना। और आज अगर शिक्षा अगर की वजह से हम यहाँ बैठे हैं तो शिक्षा की वजह से अगर डॉक्टर अम्बेडकर पढ़ लिख करके संविधान नहीं बनाते और हम यहाँ नहीं होते, तो आज जब हमें पढ़ लिख करके हमें पता है कि इनमें क्या लिखा है, इन्होंने छल कपट की बातें, तो हम उसके ना चर्चा करें। इन्होंने रामायण को धार्मिक ग्रंथ बता दिया, उसके पीछे कारण ये है कि धार्मिक ग्रंथ कहने के बाद किसी की हिम्मत नहीं होती उसमें एक शब्द के ऊपर भी ऑब्जेक्शन आपत्ति करे, क्योंकि भय रहता है कहीं भगवान हमारे खिलाफ कुछ करना दे, हमें कोई शराब ना मिल जाए, हमारा नुकसान ना हो जाए। लेकिन वो वाल्मीकि रामायण जो है, ये जो रामायण है वो धार्मिक नहीं है, प्योर राजनीतिक है, सत्ता की लड़ाई है उसमें, और हमारे लोगों से कैसे छल कपट से सत्ता छीनी, भाई भाई को लड़वा दिया,
रावण जब लड़ रहे हैं, राम और रावण की सेना खड़ी है दोनों, रावण देख रहे हैं यार मैं किसको मारूं, उधर भी आदिवासी मेरे लोग, इनको बरगला लिया इसने, सुग्रीव जामवंत हनुमान सारे सारे आदिवासी, मैं किसको मारूं, किस पे तीर चलाऊं, किसके ऊपर मैं ये करूं। और राम की सेना कहते हैं सेना तीन आदमी, विश्वामित्र राम लक्ष्मण, चौथा आर्य अगर कोई बता दे बड़े से बड़ा विद्वान कि उस सेना में था तो जो सजा दोगे भुगतने को तैयार है। सारे हमारे उन तीन को छोड़ के और वो पीछे बैठे और हमारे लोग लड़ रहे हैं, हार गए पराजित हो गए, अपने किसके ऊपर बाण चलाए भाई, किसको मारे, हार गए। तो जो वो महर्षि वाल्मीकि असली मूल रामायण है वो सत्ता की लड़ाई है और इनके छल कपट की लड़ाई है, उसके ऊपर हमें क्या कभी ध्यान नहीं देते। और हमारे बहुत सारे बुद्धिजीवी, अरे वो तो ब्राह्मण थे, अरे भाई ब्राह्मण तो लेंगे जब हम छोड़ देंगे, वो तो पकड़ लेंगे, हमारे शिव को भी पकड़ लिया। और आजकल आप टीवी पे देखते हो इनकी मकारी, शिव यहाँ के मूल और काले रंग के। और आप अभी परसों अचानक मेरे टाइम मिलता नहीं, मैंने वो घर में चल रहा था बाइक में लगा रखा था, कोई शिव नाटक आ रहा था, बिल्कुल गोरे चिट्टे शिव, गोरा कर दिया शिव को पूरा गोरा, क्योंकि आने वाली नस्लें तो उसको गोरे को देखेंगी, भूल के काला कौन था, गोरे तो वही है ना, गोरा बना दिया, कमाल कर दिया उनको। देखो कैसे अपने इतिहास को, अपनी इसको संस्कृति को मजबूती से हमारे ऊपर थोप रहे हैं और हम अपनी सच्चाई को बोलने में भी डर रहे हैं। तो इसलिए हमने कहा आर्य और अनार्य की जो वैचारिक लड़ाई थी, सत्ता की लड़ाई थी, आज अगर हम युद्ध में हैं, सत्ता के युद्ध में अगर हम हैं, तो हमारे दिमाग में साफ होना चाहिए कि हमारा पक्ष कौन सा है, या तो हम उस पक्ष के हैं या हम इस पक्ष के हैं, ये हमें साबित करना होगा। नहीं तो बिल्कुल हम तो भ्रमित रहेंगे, कभी उधर पहुंच गए कभी इधर पहुंच गए, वो लटके रहेंगे बीच में। तो इसलिए हमें आर्य और अनार्यों की जो हमें सत्ता है, सत्ता की लड़ाई है, उसमें हमें भाई या तो आप तय कर लो कि इधर हो या उधर हो, तभी हम अपनी सेना को लेके चलेंगे, जिससे कि हम युद्ध में डट के मुकाबला कर सके और विभीषणों को पहचान सके। तो इसीलिए मैं अब इस पे बहुत बड़ी वो गाथा है, दो चीजें मैंने इसलिए बताई कि ये भ्रांतियां थी, इन ब्राह्मणवादियों ने मनुवादियों ने बड़ी भ्रांतियों चालाकी के साथ इसको इन्होंने किया है, हमारे लोगों के बीच में डाला है। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।